हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाय। फ्रेंड्स, हाउ टू चेंज द डिग्री ऑफ गिवन सेंटेंस, ये टॉपिक हमने शुरू किया है एंड आज हम देखने वाले हैं इसका सेकेंड पार्ट, दैट इज लेवल टू। लेवल क्या होता है, इसके पहले वाले पार्ट में आपको पता ही होगा। अगर आप नए हो गए तो फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा एंड चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम देखने वाले हैं कि डिग्री चेंज करते समय लेवल टू के सेंटेंसेस किस तरीके से डिग्री को चेंज करना होते हैं, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री टू सुपरलेटिव, वाई वर्सा सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री कैसे चेंज करना है आज हम देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको तो पता है कि व्हेनेवर वी चेंज डिग्री ऑफ गिवन सेंटेंस वी अंडरगो फ्यू चेंजेस। तो कुछ चेंजेस हम करते हैं, तो अब देखेंगे हम कि कौन कौन से चेंजेस है। फर्स्ट पार्ट में हो चुका है, रिविजन कर लेते। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो दिया गया एडजेक्टिव है उसका फॉर्म चेंज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपैरेटिव फॉर्म यूज करना होता है कंपैरेटिव डिग्री के लिए, सुपरलेटिव फॉर्म यूज करना होता है सुपरलेटिव डिग्री के लिए। देन वी ऑल्सो मेक चेंजेस इन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट या फिर द ऑब्जेक्ट विच वी यूज फॉर कंपेरिजन वी चेंज द प्लेसेस। जो ऑब्जेक्ट का हम कंपेरिजन कर रहे हैं ना, उनका प्लेसेस भी हमें चेंज करना होता है। तो चलो देखते हैं लेवल टू के सेंटेंसेस कैसे चेंज करना होते हैं। फ्रेंड्स, लेवल टू जो है क्या होता है उसके पहले देख लेंगे हम, दैट इज लेवल टू जो कि है वन टू मेनी कंपैरिजन, वन टू मेनी कंपैरिजन। अब वन टू मेनी कंपैरिजन कैसे है, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा वन टू वन कंपैरिजन कैसे होता है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट का, एक पर्सन का कंपैरिजन दूसरे किसी ऑब्जेक्ट के साथ या पर्सन के साथ किया जाता है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, वन इज कंपेयर्ड विथ रिमेनिंग और रेस्ट, एक का कंपैरिजन बाकी के जितने भी है उनके साथ जब किया जाता है तो वो होता है वन टू मेनी का। वन टू मेनी का एग्जाम्पल एंड वन टू वन का एग्जाम्पल, ये दोनों अलग अलग होते हैं, उनका फॉर्मेशन भी अलग होता है। अब देखेंगे हम कि कैसे चेंजेस होते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज नो अदर, नो अदर सिटी इज एज रिच एज मुंबई, नो अदर सिटी इज एज रिच एज मुंबई। अब ये जो वन टू मेनी के एग्जाम्पल होते हैं दोस्तों, ये तो हमें पता चल गया कि एज एज से दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डिग्री, एज एज से हमें ये पता चल गया कि ये एक पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। अब इसे हमें करना है कंपैरेटिव डिग्री में। तो देखिए कितना इजी होता है जब हम कंपैरेटिव में करते हैं ना, तो क्या क्या देखते हैं हम। सबसे पहले एज एज से पता चला है एंड दिस फ्रेज दैट इज नो अदर। फ्रेंड्स, नो अदर ये एक फ्रेज है एंड ऑफन इट इज यूज एट द बिगिनिंग ऑफ पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस, यानी कि पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही इसका यूज किया जाता है। नो ये वर्ड इटसेल्फ बताता है कि ये निगेटिव सेंटेंस है, यानी कि नो अदर का ये जो सेंटेंस होता है ये निगेटिव सेंटेंस होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिटी एंड यहाँ पे मुंबई, यानी कि अगर थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं तो सिटी एंड यहाँ पे है मुंबई। अगर आप ये दोनों नाउन को अच्छे से देखोगे, यू कम टू नो दैट मुंबई ये एक प्रॉपर नाउन है, PN फॉर प्रॉपर नाउन शॉर्ट फॉर्म में है ना, एंड सिटी ये है एक कॉमन नाउन। अब देखिए कि व्हेनेवर वी चेंज अ सेंटेंस ऑफ वन टू मेनी इनटू रेस्ट डिग्रीज, तो हमें क्या करना होता है, ये प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन जो है इनके प्लेसेस को इंटरचेंज करना होता है, यानी कि कॉमन नाउन उधर चला जाएगा, प्रॉपर नाउन इधर आ जाएगा। अब यही सेंटेंस का कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा, तो मुंबई एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस आ जाएगा, यानी कि मुंबई। उसके बाद में हमें एक वर्ब लेना है या फिर आप उसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, लेकिन वो यहाँ पे एज अ वर्ब का काम करता है, दैट इज इज है ना, मुंबई इज। नाउ एज रिच एज का कंपैरेटिव फॉर्म हमें पता है, दैट इज रिचर देन, करेक्ट है ना। अगर आपको
इसके बारे में और डिटेल होना, तो सबसे बेसिक वाला पार्ट जो है ना वो देख लेना। कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाते समय एडजेक्टिव के स्पेलिंग में कौन कौन से चेंजेस करना होते हैं उसके बारे में भी बहुत ही डीप में बताया दोस्तों। तो देखिए, मुंबई इज रिचर देन, अभी नो अदर का ये सेंटेंस है, यानी कि ये वन टू मेनी का सेंटेंस है, इसलिए देन के बाद हमें यहाँ पे लिखना होता है एनी अदर। अब यही मेजर चेंज होता है वन टू वन लेवल का, लेवल वन का एंड मेनी टू, सॉरी वन टू मेनी, यानी कि लेवल टू में ये कुछ चेंजेस हम करते हैं। वन टू वन में हमने देखा था सिर्फ देन के बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते थे, लेकिन यहाँ पे देखिए देन के बाद लिखा है एनी अदर। सो मुंबई इज रिचर देन एनी अदर, अभी कॉमन नाउन इधर था तो इधर आ जाएगा एनी अदर सिटी। तो देखिए कितना सिंपल है, सबसे पहले क्या है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेवल बहुत ज़रूरी है कि कौन से लेवल का सेंटेंस है। नो अदर से हमें ये पता चल जाता है कि दिस इज एंड वन टू मैनी कंपैरिजन। सेकेंड, वन टू मैनी में क्या होता है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दिए गए होते, बस हमें क्या करना होता है उसे फाइंड करना होता है, बिकॉज इनके जो प्लेसेस है वो इंटरचेंज करना होते हैं। जब हम इसे कंपैरेटिव में लेते हैं तो प्रॉपर नाउन एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस आएगा कंपैरेटिव के, उसके बाद में एक वर्ब आएगा या फिर हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, उसके बाद में हमें क्या करना है जो एज फ्रेज में दिया गया एडजेक्टिव है उसका कंपैरेटिव फॉर्म यूज करना होता है एज पर द रूल्स। उसके बाद में एनी अदर ये वर्ड लिखना जरूरी है। देन तो हमें पता है कि व्हेनेवर जब भी कभी हम कंपैरेटिव फॉर्म यूज करते हैं एडजेक्टिव का तो देन उसके साथ हमेशा लगा ही रखना चाहिए, यानी कि गलती नहीं होगी। फिर लिखना है एनी अदर, और लास्ट में जो कुछ भी कॉमन नाउन यहाँ पे दिया है वो लिखना। एंड इसके अलावा अगर कोई वर्ड दिए गए होंगे जिसे एट्रीब्यूट कहते हैं हम, तो वो लास्ट में हम लिख देते हैं, करेक्ट है। चलो यही सेंटेंस को अब हम सुपरलेटिव में कैसे ले जा सकते हैं, तो सुपरलेटिव में लेते जा समय वही करना है, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन का जो प्लेसेस है वो हमें चेंज करना है। दैट इज मुंबई इज, गॉट इट, सेम है। उसके बाद में सुपरलेटिव का सेंटेंस बनाना है तो एज रिच एज का सुपरलेटिव फॉर्म हमें यूज करना है। एंड वी नो दैट सुपरलेटिव में हम ऑलवेज डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं, तो याद रखना सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज करना है। द एज रिच एज का सुपरलेटिव फॉर्म है रिचेस्ट, सो द रिचेस्ट, बस अभी लिखना है जो कॉमन नाउन था वही लिखना है और सेंटेंस को खत्म कर देना है। तो देखिए कितना इजी है, मुंबई इज द रिचेस्ट सिटी, द रिचेस्ट सिटी से ये पता चल गया कि दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, मुंबई इज रिचर देन एनी अदर। अब देखिए यहाँ पे एनी अदर से हमें पता चलता है कि कंपैरेटिव का सेंटेंस कौन सी लेवल का है। उसके अलावा याद रखना फ्रेंड्स, ये बहुत ही क्या कहेंगे हम 100% इफेक्टिव ऐसा एक क्लू है कि अगर दिए गए सेंटेंस में जो कॉमन नाउन है ना ये अगर सिंगुलर है तो ये वन टू मेनी का एग्जाम्पल होगा। यहां पर भी देखिए कॉमन नाउन होता है सुपरलेटिव में, तो सुपरलेटिव में यहां पे कॉमन नाउन होगा, ये अगर सिंगुलर में है तो ये होगा वन टू मेनी का एग्जाम्पल। यहां पे भी आप सिटी देख सकते हैं सिंगुलर फॉर्म में है, सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेवल टू का बहुत इजी होता है। एक तो ये फ्रेजेस हमें बता देते हैं नो अदर है या फिर एनी अदर है, ये फ्रेजेस से पता चल जाता है कि ये सेंटेंस वन टू मेनी का है। इन केस कभी कभी ये नहीं दिए जाते, इसके अलावा दूसरे भी कोई फ्रेजेस यूज किए जाते हैं, ऐसे समय में डरना नहीं है। यहाँ पे ये जो सेकेंड क्राइटेरिया जो बहुत ही इफेक्टिव है कि दिए गए सेंटेंस में कॉमन नाउन का नंबर चेक करना, अगर कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर में है यानी कि एक वचन में है तो ये सेंटेंस होगा वन टू मेनी का एग्जाम्पल। इस तरीके से हमें क्या करना होता है, दिए गए सेंटेंस को कंपैरेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से सुपरलेटिव कर सकते हैं। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, नो अदर कंट्री इज एज
ब्यूटिफुल एज इंडिया. नो अदर कंट्री इज एज ब्यूटिफुल एज इंडिया. अब सेंटेंस को थोड़ा अच्छे से एनालाइज करके देखते हैं कि क्या क्या दिया है सेंटेंस में. तो देखिए, नो अदर के बाद कंट्री यूज किया गया है, तो इंडिया भी कंट्री है, अमेरिका भी कंट्री है, चाइना भी कंट्री है ना. तो ये हुआ कॉमन नाउन कंट्री का. हमें कंट्रीज ये वर्ड भी पता है, यानी कि कंट्री सिंगुलर है तो कंट्रीज प्लूरल फॉर्म है. उसके बाद में इंडिया, यहाँ पे देखिए इंडिया के साथ कंपैरिजन हो रहा है, यानी कि इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, एक ही कंट्री का नेम है भैया, दूसरे किसी का नहीं है, तो ये प्रॉपर नाउन बन जाता है. अब यहाँ पे देखिए कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन दोनों दिए. सेंटेंस की शुरुआत नो अदर से हुई है. कॉमन नाउन जो दिया है दैट इज इन सिंगुलर नंबर, ये सिंगुलर नंबर में. तो ऐसा सेंटेंस अगर आपके सामने आएगा तो पक्का आइडेंटिफाई करना यार, ये वही है, दैट इज लेवल टू वाला, वन टू मेनी वाला ही सेंटेंस है. इसे कंपैरेटिव करते समय कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन के प्लेसेस चेंज करना, यानी कि स्टार्टिंग में यहाँ आएगा हमारा इंडिया इज. इंडिया इज एज ब्यूटिफुल एज का कंपैरेटिव फॉर्म हमें पता है, ज़्यादा सिलेबिक है, तीन सिलेबिक से ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमें यूज करना होता है मोर ब्यूटिफुल दैन. क्या यूज करना है? मोर ब्यूटिफुल दैन. अभी पता है नो अदर यूज किया था, तो हमें भी एक फ्रेज यूज करना है नो अदर, तो यहाँ पे लिखना होता है एनी अदर. तो ये फ्रेज को समझना है, एनी अदर, यहाँ पे नो अदर, ये पेयर लगाना है एनी के साथ नो अदर, एनी अदर के साथ नो अदर, है ना. तो ये याद रखना है. उसके बाद में जो कॉमन नाउन दिया है उसे लिखना है नो अदर कंट्री, बस, बाकी कोई भी चेंज नहीं होता है दोस्तों. तो इतना सिंपल है यार, आप दो ही एग्जांपल में बहुत अच्छे से समझ लोगे, ठीक है. इसे अभी हमें करना है सुपरलेटिव. तो देखिए सुपरलेटिव करते समय जो कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन है इनका प्लेसेस, अगर आपको डायरेक्ट पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में ले जाना है तो ही इंटरचेंज करना है. अब हम देख रहे कि पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव, तो आप देखेंगे ये दोनों जो सेंटेंस है ना, पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव, सॉरी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, इनका सब्जेक्ट, इनकी शुरुआत सेम वर्ड से हो रही, यानी कि इंडिया इज, तो ये भी होगा इंडिया इज. अब बस हमें क्या करना होता है, ये जो कंपैरेटिव फॉर्म है ये हटा देना है एंड यहाँ पे सुपरलेटिव फॉर्म यूज करना है. तो ब्यूटिफुल एज का सुपरलेटिव फॉर्म हमें पता है The most beautiful, the most beautiful, अभी बचा है country, so लिख देना है यहाँ पे country and finish. तो देखिए comparative and superlative का sentence आपको पूरा पूरा ऐसा ऐसा ही दिखेगा, बस हमें क्या किया है कि comparative में comparative form use किया है एंड सुपरलेटिव में सुपरलेटिव फॉर्म यूज किया है. ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव फॉर्म हमें पता है मोस्ट ब्यूटीफुल है, एंड आर्टिकल डेफिनेशन द हमें ऑलरेडी पता है कि इन सुपरलेटिव वी ऑलवेज यूज डेफिनेट आर्टिकल द, सुपरलेटिव के साथ हम हमेशा द का यूज करते हैं. तो होप आपको ये बहुत ही आसानी से एंड फटाक से समझ में आया होगा. तो फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल खास आपके लिए है, लेट्स सी आप यहां पे इसका आंसर देना है. नो अदर सब्जेक्ट, नो अदर सब्जेक्ट इज एज इजी एज इंग्लिश. नो अदर सब्जेक्ट इज एज इजी एज इंग्लिश. फ्रेंड इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है. कंपैरेटिव डिग्री कैसे करना है, सुपरलेटिव डिग्री में ये सेंटेंस कैसा होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा. और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.